केस फोन के अंदर, सॉरी ये फोन नहीं है, सॉरी आईफोन नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक्शन कैमरा के बारे में। हर कोई चाहता है आज के समय में एक्शन कैमरा पाना, लेकिन हर किसी का बजट नहीं है जितना महंगा हीरो 4, हीरो 5, हीरो 6 आता है। आज हम करेंगे एक्शन कैमरा की अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ क्विक ओवरव्यू। मैं बात कर रहा हूँ एक अफोर्डेबल एक्शन कैमरा की, एक मिड रेंज एक्शन कैमरा है और इसका नाम है Xiaomi का यी एक्शन कैमरा 4K+। सबसे पहले और अनबॉक्सिंग के हिसाब से दिखा देते हैं, कुछ इस तरह का बॉक्स है, टच स्क्रीन वाला डिस्प्ले है तो आप आराम से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर मिलेगा आपको एक्शन कैमरा, साथ में मिलेगी बैटरी, यूएसबी सी केबल मिलेगी आपको, यूएसबी सी वाली कनेक्टिविटी है इस एक्शन कैमरा में, जो की बहुत अच्छी बात है। रेगुलर यूएसबी सी केबल जो की अपने एंड्रॉइड फोन की है वो यूज कर सकते हैं, उससे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रोप्राइटरी पोर्ट नहीं है, अलग तरह की केबल नहीं है। चार्ज करने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे की फुटेज आप लगातार रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1200 mAh की बैटरी है। चार्ज करने के लिए आपको कोई अलग से अडैप्टर नहीं मिलता है, इसी कैमरा के साथ इस बैटरी को चार्ज करना होगा। कैमरा काफी छोटा है, आराम से आपके एक हाथ में आ जाता है। माउंट करने के लिए इसके अंदर आपको ट्राइपॉड वाला माउंट दिया गया है, वो सब झंझट नहीं है GoPro के कैमरास में होती है, जिसके अंदर आपको अलग तरह का माउंट खरीदना पड़ता है। इसको आप एक रेगुलर ट्राइपॉड पे भी माउंट कर सकते हैं, हालांकि एक्शन कैमरा है तो ट्राइपॉड पे माउंट क्यों करेंगे, आप इसे बाइक पे माउंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अडैप्टर्स लेने होंगे अलग से, क्योंकि बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ इस कैमरा के अंदर आप लगा सकते हैं माइक भी, क्योंकि USB 2.3.5 वाला एक अडैप्टर इस कैमरा के पैकेज में आता है। कैमरा को ऑन करेंगे और साथ ही साथ इसी बटन को दोबारा दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। कैमरा की बैटरी है कम तो यहाँ पे मिलेगी आपको रेड लाइट, 1.5 घंटे का बैकअप आपको लगातार मिल जाएगा। आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी है, स्टैंड बाय मोड में है तो बैटरी खाता रहेगा, जो कि एक गलत बात है। यहाँ पे है एक छोटा सा लाउड स्पीकर, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने जो रिकॉर्ड किया है वो कैसा रिकॉर्ड हुआ है। वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अलग अलग रेजोल्यूशन में, चाहे वो 4K हो, फुल HD हो, 60 FPS में फुल HD नहीं है, 4K रेजोल्यूशन की रिकॉर्डिंग है वो भी 30 FPS तक ही है, अच्छी बात नहीं है। टाइमलेस वीडियो की तो वो आप बना सकते हैं, स्लो मोशन वाला वीडियो भी बना सकते हैं। टच स्क्रीन तो आप आराम से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस कैमरा में ना सिर्फ आप नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसमें आप लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है, उसके लिए आपको यूज करनी होगी इसकी एप्लीकेशन, जिसके थ्रू आप वो काम कर पाएंगे। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, यहाँ पे कार्बन फाइबर जैसा मटेरियल आपको मिल जाता है। बात करें इसके माउंट की, तो माउंट के लिए अडैप्टर्स आप ले सकते हैं amazon.in से। कैमरा सैंपल्स देख लो, वीडियो सैंपल्स देख लो, कुछ आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसा है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। I'm the piano, so now I gotta get a drummer song. Put the T up on the track, I'll be phenomenal. Cause when it come to having a hit, I'ma make another one. Blink 182 times. Will you see the twisted with Travis? Madness, kinda like a savage. Ravage and murder with the art like blood on the carpet. इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक दे दिया है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसे खरीद सकते हैं। ये कैमरा आपको मिलेगा तकरीबन 17 से 18 हजार रुपए में। एक अच्छा एक्शन कैमरा आपको मिलता है, लेकिन कमियां भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। 4K रेजोल्यूशन जो भी है वो ठीक ठाक है, लेकिन स्मूथनेस नहीं है वीडियो में। साथ ही साथ इसका एक गिवअवे भी आने वाला है, तो अगर वो गिवअवे चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे एक कमेंट छोड़ दो, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।